कैसा अमृतकाल? एमपी के डिंडोरी जिले में बदहाली का आलम है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये कैसा अमृतकाल है जो यहाँ सुविधाओं का काल है। आपको बता दें कि चिखला टोला गांव में बैगा जनजाति के लोगों ने समस्याओं से जो यहाँ के लोग हैं वो जूझ रहे हैं। अरसा बीत जाने के बाद भी यहाँ की सड़क नहीं बनी, जिसके चलते लोग परेशान हैं, मजबूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कैसा अमृतकाल, सुविधाओं का काल। एमपी के डिंडोरी जिले में बदहाली, समस्याओं से जूझ रहे बैगा जनजाति के लोग। अरसा बीत जाने के बाद चिखला टोला गांव की नहीं बनी सड़क, लोग कीचड़ भरी सड़कों पर चलने को मजबूर। ग्रामीणों को पक्की सड़क की दरकार। ग्रामीणों ने प्रशासन से की पक्की सड़क की मांग। एमपी के डिंडोरी जिले के ग्राम पंचायत घुड़सी के चिखला टोला गांव का जरा ये हाल देखिए। ये सड़क के नाम पर जो कीचड़ से भरी पगडंडी जा रही है, ये बैगा जनजाति के लोगों की जीवन रेखा है। आप कहेंगे कि जब पगडंडी इतनी बदहाल है तो यहाँ के लोगों की जिंदगी का भला क्या हाल होगा। बहरहाल इस बात की बयानी शब्दों में जाहिर करना तो बेमानी होगी। तस्वीरें खुद ब खुद हालातों को बयान कर रही है। हमारी स्थिति ऐसे चलता है, शासन में कोई ध्यान नहीं लगा रहे हैं। आप रात में भी चलते हैं, दिन में भी चलते हैं, लड़का सोना बाल गोपाल कभी वजन भी लेकर चलते हैं तो रात में भी चले जाते हैं। खैर हमारे ध्यान कोई सरकार नहीं लगा रही अभी तक। हम कई वर्षों से हम दे रहे हैं आपको सूचना, सचिव सरपंच को भी दे रहे हैं, अगर कोई ध्यान नहीं करता है यहाँ पर स्थिति है हमारा। इसको जल्दी से हमको प्रधानमंत्री में जोड़ा जाए पक्की में, तब को हमके रात में चलने में, दिन में भी चलने में, कोई बुखार ताप आता है, किसी को तकलीफ हो जाता है, वो लोग कहीं नहीं जा पाते हैं, वहीं मर जाते हैं, सड़ जाते हैं। कोई सरकार भी नहीं जाता है, ये कीचड़ के वजह से हमको चलता भी नहीं बनता है, रात में जाने भी बेकार है। चिखला टोला से आते हैं और 5 किलोमीटर तरच में स्कूल पढ़ने जाते हैं, हमें बहुत परेशानी है वहाँ पे, और कीचड़ भी हो जाते हैं, जाते जाते कहीं गिर जाते हैं, कहीं बैग भी हो जाते हैं गंदा, जाके धुलते हैं और फिर वहाँ जाते, फिर वहाँ पूरा भी वो पोल से ऊपर भी रहते हैं और वहाँ से इंतज़ार करते हैं, हम रात भी हो जाते हैं। हमारी बहुत समस्या है, शासन से यही चाहते हैं रोड, वहाँ की पोल भी चाहते हैं। आज़ादी के बरसों बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधा और पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए बैगा जनजाति के लोग आज भी कोसों दूर हैं। बता दें कि मुख्य मार्ग से चिखला टोला गांव की दूरी लगभग 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन पक्की सड़क न होने से इस गांव में किसी भी बीमार शख्स या फिर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक ले जाना किसी बड़ी दुश्वारी से पार पाने से कम नहीं है। यहां एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कि बीमार को खाट के सहारे खर्च के मुख्य मार्ग तक लाया जा सके, तब कहीं जाकर एम्बुलेंस की सहायता मिल पाती है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि वो 4 महीने किसी तरह कीचड़ भरी सड़क पर चलने को मजबूर होते हैं, तो वही गांव के स्कूली बच्चों को इस कीचड़ भरी सड़क पर चलने पर तरह तरह की समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। रोड में रिंग थन बैगर लोग सब पूरे कपड़े चढ़ाई चढ़ाई के रात पर रात बाजार जाथन आथन, हम सीसी रोड चाहिए अपने के नानी, हम रहे और बाल बच्चा नहीं आ रहे हैं पढ़े लिखे ला, और चीखल में कहा आवा झड़ी सी पट में पुलिया तो फूट गए दोनों ठाना, तो कहाँ ले आवा, उन्होंने पक्की पक्की पुलिया दे सरकार डामिल रोड तत्व आई, तो बड़े बस्ती है यहाँ तरस भुरसी तक बड़े बस्ती है, जाके देखो अब चीखले चीखल में आ रहे हैं, सब कपड़ा चढ़ाए चढ़ाए साड़ी लुगरा सब चढ़ाए चढ़ाए के आ रही हैं जा रही हैं, फिर जाके दूसरा कपड़ा बदल के खाना पीना खा थन नहा थन धो थन, साफ सफाई है कि बाल बच्चे भी वैसे हो रही हैं पढ़ने लिखने वाली। चिखला टोला से आते हैं और 5 किलोमीटर तरच में स्कूल पढ़ने जाते हैं, हमें बहुत परेशानी है वहाँ पे, और कीचड़ भी हो जाते हैं, जाते जाते कहीं गिर जाते हैं, कहीं बैग भी हो जाते हैं गंदा, जाके धुलते हैं और फिर वहाँ जाते, फिर वहाँ पूरा भी वो पोल से ऊपर भी रहते हैं और वहाँ से इंतज़ार करते हैं, हम रात भी हो जाते हैं। हमारी बहुत समस्या है, शासन से यही चाहते हैं रोड, वहाँ की पोल भी चाहते हैं। सरकारी चुनावी लाभ के लिए जनजातीय लोगों के हित में उठाए गए कदमों को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इस तरह से उलट है जैसे कि चिखला टोला गांव के हालात। सवाल ये है कि कब सियासत संवेदनाओं के साथ सेवा कार्यों से जुड़ेंगे और कब लोगों की बदहाली दूर हो सकेगी। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया।